तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो ये एपिसोड 4 था और आज हम यहाँ पे इंट्रो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने अपना घर डेकोरेट कर लिया ऑफ कैमरा। बिकॉज मतलब पहले के वो घर बनाने में इतना टाइम लग गया, एपिसोड इतना बड़ा हो गया कि मैंने सोचा चलो ऑफ कैमरा कर लेते हैं। तो पहले FPP में चलते हैं और मेरा मतलब रिकॉर्डर बार बार क्रैश कर जाता है एक्सटर्नल, तो मैंने अपनी इंटरनल से ही करा। तो देखता हूँ शायद FPS ड्रॉप है, नहीं नहीं है, इतना नहीं है बैठा। तो ये मतलब बेसिकली रात को मुझे दिखाना था इसलिए मैंने रात में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी। बाहर से देखो लाइटिंग कितनी मस्त लग रही है बाहर से, ये मतलब बाउंड्री हल्की सी चेंज करी थी मैंने। फिर अंदर चलते हैं, गेट बंद करते, पहले रात का टाइम है, कोई आके पेल गया तो परेशानी हो जाएगी। तो ये मतलब करी है मैंने इंटीरियर, तो अभी मैंने चेक करी है कि दोबारा हो रही है कि नहीं रिकॉर्डिंग, क्योंकि बार बार क्रैश कर रहा था। तो ये है बेसिकली, यहाँ पे ये हमारी चेस्ट दोनों जो उस घर में पड़ी थी हम दोनों उठा ले जो उस घर में थी, अब वो खाली है। उसमें बस मेरे ख्याल से नहीं सारा कुछ ले आया था, ये दूसरी चेस्ट है, इसमें सारे अपने वो पेड़ वगैरह। यहाँ पे ये मतलब जो नीचे पानी के जा रहा है वो यहाँ से जा रहा है, इस एरिया में भी ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। नहीं ठीक है, फिर ये हमारी वो है बालकनी जहाँ पे हमारा इंट्रो था। ये मैंने ऊपर वुल लगाने की सोची थी बट वुल वहाँ पे लग नहीं रहा था जैसे कि पता होगा पिछले एपिसोड में, तो मैंने लीफ लगा दी पत्तियाँ, अच्छा लग रहा था। तो पहले सोते हैं और आज के एपिसोड में ये जो बाहर का थोड़ा सा एरिया दिख रहा है जहाँ से मैंने खड़ा होकर अपने घर दिखाया था, यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करेंगे। यहाँ पे अपना वो बनाएंगे फाउंटेन, वाटर फाउंटेन यहाँ पर। ये पूरा एरिया भी थोड़ी इस एपिसोड में पूरा चेंज हो जाएगा और अच्छा लग रहा है यार, इतना बुरा नहीं लग रहा जहाँ जिस हिसाब तक मेरी वो है जो सस्ती सी बिल्डिंग्स उस हिसाब से अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ से ब्रिज जाता हुआ स्टोरेज सिस्टम बनाएं या वो मिनी चिकन फार्म जो मतलब चिकन मतलब बेसिकली वो उसका होगा तुम्हारे गाय का, शीप का और पिग का, कि सो दैट फूड की कमी ना हो और लेदर की भी, क्योंकि लेदर अब ज़्यादा चाहिए क्योंकि हमें अपना वो बनाना है इंचार्टमेंट रूम। तो बेसिकली ये पूरा एरिया ले लेंगे और वो जो घर के बाहर थोड़ा सा गड्ढा सा था उसको हल्का सा चेंज करेंगे, बिकॉज घर से निकलते ही देखो ये पूरा घर से निकलते ही वो हो जाता है पूरा, तो हल्का सा इसे भरेंगे। तो मिलते एक बार इसको भर के फिर, और मैं अपने उसकी लेआउट भी सोच लेता हूँ कि कैसी क्या रहेगी अपनी बिल्डिंग की। तो हम आ गए, मैंने थोड़ा सा चेंज करें थोड़े से चेंजेस, तो देखते हैं रुको, तो चलते हैं बाहर इसी के साथ। तो ये मैंने अपनी वॉल सोची है, मतलब मैंने ये बनाते हुए भी मैंने रिकॉर्ड करा था बट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया एक्सटर्नल क्रैश कर गया, मतलब वो रिकॉर्डिंग ही सेव नहीं है, मतलब गलत सारे गलत सीन साथ हमारे साथ ही होते हैं। तो मैंने बेसिकली ये वॉल बनाई है, बताना कमेंट सेक्शन में कैसे लग रही है। तो बेसिकली बीच में अपना वो बनाता है पूल पॉन्ड सा अपना जिसमें हम पूरा पानी भरेंगे। तो अभी एरिया डिसाइड करते हैं कितना क्या, क्योंकि हमें पाथ पूरा सर्कल में एक पाथ वे भी छोड़ेंगे जिससे कि हम आसपास में घूम पाए और उस पाथ को डेकोरेट करेंगे। तो पहले रुको डिसाइड करता हूँ, डर्ट ब्लॉक लेता हूँ, मुझे ये एरिया हल्का सा ज़्यादा ऊपर नीचे लग रहा था। तो देखते हैं पूरा अपना एरिया बनाते हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा ना इतना सा छोटा सा, तो हल्का सा यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ, वहाँ पे एरिया ज़्यादा। और मैंने बीच में पेड़ भी ग्रो कर दिया बिकॉज थोड़ा नेचरली ग्रीन व्रीन हल्का सा अच्छा लगता है, लीफ लगा रखे हैं फिर एरिया कवर करने के लिए मैंने पेड़ उगा दिया था जब तक मैंने अपने वॉल बनाए जब तक ये पेड़ उग गया था, तो अच्छी बात हुई, नहीं तो बोन मिल यूज़ करनी पड़ती, वैसे भी इतनी ज़्यादा है नहीं, रात को मैं सर्वाइव ही नहीं करता, मैं सो जाता हूँ बार बार। तो हल्का सा उस साइड अपने घर के साइड और स्पेंड करता इस साइड क्योंकि ये पाथवे के लिए ज़्यादा एरिया हो रहा है, या उस साइड भी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है जो वो स्ट्रेट लाइन दिख रही है साइड में और इस साइड भी। तो करते हैं चेंजेस, पहले पानी लेके आ जाते हैं, ले ले नीचे जा कर लेते हैं। तो ऊपर वहाँ पे अपना वाटर सोर्स बनाते हैं, अनलिमिटेड वाटर सोर्स,
तो उससे अपने पॉन्ड को भरेंगे। तो एक बकेट गिरी यार, बहुत गर्मी हो रही है कसम से यार दिल्ली में। तो मैं दिल्ली से हूँ ना, तो कसम से यार मतलब गर्मी ने तो जीना आराम कर रखा है, रात को तो सोया ही नहीं जाता। तो एरिया को भरते पूरे पानी से टपा टप। तो देखते हैं कितनी बकेट में भरे, इसलिए मैंने यहाँ पे वाटर सोलर बनाया, नहीं तो अगर नीचे से लानी होती ना तो अभी तक तो अप डाउन करते करते ही मर जाता। तो अभी यहाँ पे भी बन चुका है पानी का स्रोत, तो अभी यहीं से उठा उठा के गिर देता हूँ। तो पूरा भरते इसकी इसकी भी बाउंड्री मैं सोच रहा हूँ उसी से ही, जो सेम पहले तरीका था उससे बना देते हैं, क्योंकि पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ था और क्या डिज़ाइन जो भी है ना सही नहीं मेरे पास। तो बनाते चलो, फैंस हैं, पत्तियाँ और अपने वो हैं स्टोन है। स्टोन कहते हैं, कौन सा स्टोन कहते हैं ऐसा मुझे पता भी नहीं, कोबल स्टोन को जो स्मेल्ट करके बनता। तो इसे पहले हटा देता, फिर अपने स्टार्ट करता। मतलब थोड़े से चेंजेस होंगे इसमें, मतलब उस साइड से ज़्यादा लग रहा था मुझे, इस साइड से बहुत कम लग रहा था, तो हल्के से चेंजेस करता। नहीं नहीं करता, ओके यही एरिया ठीक है। तो दो वॉल लगाई, फिर एक पत्ती, फिर फेंस लगानी थी इसलिए तो फेंस लगाता। फिर अपना फिर एक पत्तियाँ, फिर फेंस, दो फेंस, फिर पत्तियाँ, फिर दो फेंस, अभी उसके फेंस, सॉरी पत्तियाँ, फिर फेंस। और बाहर देखो मेहमान आया, तो मैंने उसे देखा, वो मेरे एरिया में घुस गया, मैं क्या ये तो मार देगा। मैंने फिर अपनी बकेट देखी हुई, वो थी खाली, ये बाहर भाग गया, मैं जैसे आया ये बाहर भाग गया। मैं क्या दूध तो है नहीं और घर तक जाऊंगा, उस साइड जाऊंगा तो ये बीच में फैलेंगे। तो मैंने देखा आसपास गाय है कि नहीं, तो काओ तो मुझे मैंने बहुत देखा उछल उछल के, पर दिखी नहीं। तो अगर इस साइड दिख भी जाती तो मैं अपनी फेंस तोड़ के चला जाता, बट मुझे दिखी नहीं। तो मैं क्या चलो छोड़ो, क्यों मारने बेचारों को, छोड़ देते हैं। तो मैं अपनी बिल्डिंग कंटिन्यू करता हूँ। तो अपने फेंस फेंस लगाते हैं, अपने स्टोन लगाते हैं हर एक उसके ऊपर, पत्तियों के ऊपर, और अपने आगे के डिज़ाइनिंग करते हैं, उन्हें हम इग्नोर मारते हैं। तो गैस अपना नेक्स्ट एपिसोड बताना है किसके ऊपर चाहिए, अपना मिनी फार्म उसके लिए ऊपर, मिनी फार्म के ऊपर, या तुम्हारा ब्रिज बनाते हुए स्टोरेज सिस्टम बना लो, या तो स्टोरेज सिस्टम या मिनी फार्म, क्योंकि फिर अगर दोनों बनाएंगे तो एपिसोड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये भी मैंने छोटा करा है, बिकॉज़ हर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, 25 मिनट, 27 मिनट, अब से थोड़ी छोटी वीडियो रखेंगे, लाइक अप्रोक्स कितनी 20 मिनट के अप्रोक्स रखेंगे, कटिंग वटिंग करके, एडिटिंग करके थोड़ी सी, तो 25 मिनट के आसपास रखेंगे कि ज़्यादा बनो। तो जैसे कि मैंने बोला था, ये एरिया मुझे ज़्यादा लग रहा था, मतलब स्टार्टिंग में नहीं लग रहा था, बट बाद में जब पाथवे बना, मतलब स्टार्टिंग में भी लग ही रहा था, बट बाद में जब पाथवे बना था तो पाथवे थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, तो हल्के से इधर से काट लेता हूँ, बस एक और ब्लॉक काट लेता इधर से भी। तो अब ठीक लग रहा है, ज़्यादा मतलब वो नहीं लग रहा। तो बकेट निकालता, बकेट डाल देता, और पॉन्ड में फिश भी सो डालने की सोच रहा हूँ, मतलब इस एपिसोड में तो डाली नहीं, बट हाँ मतलब डाल देंगे, मैं ऑफ कैमरा ला के डाल दूंगा इसमें फिश, तो मतलब एपिसोड ज़्यादा लंबा ना खींचा। तो ये एक ब्लॉक मुझे ज़्यादा लग रहा था कि फैंस भी आ जाइए, तो करते अपनी दोबारा से वही सस्ते डिज़ाइनिंग, फिर अपनी फैंस लगाते हैं। तो यहाँ पे मतलब दो पे नहीं लग रही थी तो मैंने तीन लगा दी, मैं कहा चलो कोई नहीं। फिर मैं अपनी ये मुझे अंदर गलत लग रहा था, मैंने बाहर ले आया, मैंने बाहर रखा और या आई एम डन। फिर मैंने उनको देखा, वो अब भी देखो मुझ पर कैसे निशाना ताने खड़े हैं, तो मैंने फिर से एक मिनट और मारा, मैं कहा चलो छोड़ो इन्हें छोड़ो। फिर मुझे ये एरिया ज़्यादा छोटा लगा, मैं कहा छोड़ो कोई नहीं इतना ही ठीक है। फिर मैं इधर आया, मुझे यहाँ के एरिया थोड़ा ज़्यादा वो लगा, मतलब पतला सा। फिर मैं क्या चलो कोई नहीं, मैं अपना वे बनाता हूँ,
कि कहाँ से हम पूरा घूमेंगे, ये पाथ अच्छा सा लगता है, नीचे से डिस्क्राइब करते था कि हाँ ये एरिया घूमने के लिए। तो ये पता नहीं मतलब ऐसा ब्लॉक क्यों हो गया, डर्ट ब्लॉक, आई डोंट नो। तो चलते आगे, यहाँ से ये एरिया मतलब पेड़ कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है, पेड़ का थोड़ा सा देर में जुगाड़ करेंगे, कुछ हल्का सा साइड में करेंगे। और चलो देखता, पता नहीं ये डिज़ाइनिंग कैसे लग रही है पूल की, मुझे तो अच्छी लग रही है, आप कमेंट सेशन में बताना कैसे लग रही है। तो चलो गैस, अभी रात हो गई है तो चलो सोने। मैं पता नहीं उस साइड क्यों मार रहा था अपना, तो पहले सो जाते, और देखना सोते टाइम मैं जब सोता हूँ ना और जब खड़ा होता हूँ तो देखना सरप्राइज मिलता है मुझे हर बार, ये मेरे मुंह पे आके रुकता है। मतलब फिर सीढ़ियों पे के आगे लगा रहा था तो सीढ़ियों पे चढ़ने में परेशानी हो रही थी, तो मैंने इसलिए हल्का उसको बेड के ऊपर लगा दिया। तो चलो देखते हैं कैसा लग रहा है, तो काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है, पाथवे भी मतलब ठीक है, ये यहाँ से थोड़ा कोलैप्स हो रहा है बट कोई नहीं। और मतलब हर 25 एपिसोड पे, मतलब 25 एपिसोड पे वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन आएगा जिसपे हम देखेंगे कि हमने पूरे मतलब अभी तक सीरीज़ में क्या क्या करा, मतलब समझ रहे हो ना कि पहले हमने घर बनाया, फिर एक्सप्लोरेशन पे गए, फिर ये पूल बनाया, फिर अगले एपिसोड जो हुआ, तो हर 25वें वीडियो पे एक होगा कि दिखाने के लिए। फिर मैंने ये हल्के से चेंजेस करे पेड़ में, जैसे कि मैं अभी ये बीच में आ रहा था तो हल्के से पत्ते वत्ते काटे, तो मुझे ये मतलब अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ ना तो देखो पेड़ कितना अजीब लग रहा है। फिर मैंने दोबारा उल्टे से हल्का सा पेड़ को नेचुरल दिखाने की कोशिश करी कि नहीं पेड़ के साथ अत्याचार हो रहा है, तो मैंने हल्के से साइड में पत्ते लगा दिए कि इतना बेकार ना लगे। मैंने उल्टा वैसे कर दिया था, मैं कहा कोई नहीं हम थोड़े छोटे एरिया में से निकल रहे हैं, कोई नहीं, फिर हल्के से पत्ते यहाँ लगाते हैं, फिर चलते हैं बाहर। फिर मैं सोचता हूँ कि बीच में जो पॉन्ड है मतलब पूल है उसके बीच में वो बनाते हैं स्टैचू सा, जिससे पानी ऊपर से नीचे गिरता रहे। तो मैं देखने आया कि मेरे पास ये स्टोन है कि नहीं, बट हमारे पास थे नहीं तो हम स्लैब से काम कर लेंगे। और तो चलो चलते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। तो और उससे पहले हम अपने थोड़े से वेट वेट उगा देते हैं हल्के से पाथवे में कि अच्छा दिखे, इसी पाथवे पर हल्का सा मतलब डेकोरेटिव दिखाने के लिए, थोड़ा सा नेचुरल दिखाने के लिए अच्छा लगता है, बीच बीच में जो ये वेट वेट उगते रहते हैं। तो पहले यहाँ पे रखते हैं, मतलब रेंडमली कहीं पे भी रखते हैं बीच बीच में कि हल्का सा अच्छा दिखे, और अगर मेरे बैकग्राउंड से वॉइस ओवर के टाइम थोड़ी सी आवाज़ जा रही है तो उसके लिए सॉरी मेरे मतलब घर वाले, इसलिए मैं रात को वॉइस ओवर करता हूँ रात के 1-2 बजे कि ढंग से आवाज़ चली जाए, मेरी आवाज़ जाए घर वालों की ना जाए। बट आज अभी टाइम था, मैं फ्री बैठा था रात को, मैं थोड़ा बिजी हूँ तो मैंने सोचा चलो अभी कर देता हूँ वॉइस ओवर और फिर दिन में मतलब रात में थोड़ा सा कुछ और कर लेंगे। तो हमें ये थोड़ा और मतलब यहाँ का एरिया हटाता हूँ कि थोड़ा सा अच्छा देखें, मतलब बाउंड्री स्ट्रिक करता हूँ, फिर ऐसे रैंडम कहीं पे भी अपने वो रख देंगे। ये मतलब मैंने उस पर करे था जो ये घास उगी पड़ी है ना, बोन मिल से करे थे मैंने कि थोड़ा सा वो दिखा नेचुरल दिखाने के लिए। तो मैं मतलब यहाँ पे मैं एक छोड़ के एक करने वाला था बट मुझे ये बीच में गलती से कर दिया, तो फिर क्या मैंने खोद दिया और क्या। फिर चलो अपने वेट वेट फिर से उगाते हैं, अपना सेट करते हैं सारी चीज़ें। और अच्छा एक लौंडा एक बात बताओ तुम, चलो ठीक है देख के जाते हो वॉच टाइम मतलब हल्का सा ठीक हो जाता है, बट तुम शेयर करते हो वीडियो, मुझे तो नहीं लगता बिकॉज सब्सक्राइबर उतने तो नहीं है,
रोज़ मतलब एक दो भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब एक दो भी हो जाए तो हल्के से मोटिवेशन मिल जाती है यार। तो वीडियोस शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों में जो माइनक्राफ्ट खेलता है, मतलब देखने में इंटरेस्टेड रहता हूँ। हाँ मतलब अभी तक उस तरीके का नहीं हो पाया, बट हाँ शेयर कर दो यार हल्का सा, मतलब वो सब हल्का सा सब्सक्राइबर बढ़ जाए, उस टाइम बढ़ जाए, मतलब कर दो यार। और सब्सक्राइब करना अगर कोई चैनल पे नया आया हो तो, एंड लाइक तो कर ही देना। मुझे नहीं पता ये माइनक्राफ्ट की तलवार मारो या उसकी कुल्हाड़ी में सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो मैं भी सोचता हूँ कि बीच में अपना फाउंटेन बनाए जिससे ऊपर से मतलब पानी गिरे, तो मैं जाता हूँ अपने हल्के से मतलब जो बीच में स्टोन होते हैं वो यूज़ करने के लिए। फिर मैं देखता हूँ कि बीच में वो तो होते नहीं है, तो मैं अपने स्टोन ब्रिक स्लैब से ही कर लेता हूँ। स्टोन ब्रिक स्लैब अब याद आ गया, तो उससे काम चलाते हैं मुझे स्टोन ब्रिक, वो तो मिलते नहीं है, बट स्लैब को ही दो बार रख के अपना वो बना लेंगे ब्लॉक। तो वहाँ गए से पे मैं भी देख पा रहा हूँ कि FPS गिर रहा है, बट कोई नहीं हल्का सा मैनेज कर लो। देखते हैं कुछ जुगाड़ लगाते हैं फिर से अपना, कोई देखते हैं दूसरा रिकॉर्डर आज तो, मतलब देख लो यार इसे तो हल्का सा सेंटर करेंगे। तो ये सेंटर नहीं है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे हाँ ये ठीक है, तो बनाते हैं साइड। हाँ तो रखते हैं ऊपर, देखा बन गया ना ब्लॉक। थोड़ा सा दिमाग और रिसोर्सेज बचाने चाहिए, मतलब दिमाग लगाने चाहिए और रिसोर्सेज बचाने चाहिए, दिमाग बचा के खा लेंगे। तो पहले मैं सोचता हूँ कि साइड में से ये लगा दें और बीच में पानी रख देते हैं जिससे कि थोड़ा सा अच्छा दिखे कि इस साइड में से पानी आ रहा है। तो देखते हैं, मुझे तो भी ऑनर्स इतना अच्छा नहीं लगा, तो आप लोग देखो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो बताओ, मैं फिर से चेंजेस कर देंगे। तो स्लैब रखते हैं ऊपर चलते हैं और बीच में पानी रखने की कोशिश करते हैं। तो ये मतलब स्लैब थी तो इसलिए ढंग से गया नहीं, तो ऊपर हम वहाँ पे स्लैब रखते हैं, कोशिश करते हैं ये मतलब रखने तो दे नहीं रहा। देखो फिर से हाँ रख दिया, फिर ऊपर पानी रखने की कोशिश करते हैं, पानी नहीं रखा जा रहा, तो दोबारा ट्राई करता हूँ नहीं रखा जा रहा, तीसरी बार भी कर लिया, फिर फाइनली हुआ। तो ये मतलब शेप ही इसकी पूरी वैसी नहीं आ रही जैसी थी, तो मैं अपनी ये ब्लॉक हटा देता हूँ जो साइड में लगाई था, कि बीच में सिंपल सा रहेगा एक डंडा सा, उसके ऊपर से पानी गिरता हुआ दिखेगा। इतने ज़्यादा हमें प्रोफेशनल भी नहीं बनना है कि ऐसा फाउंटेन दिखाए टाइप। तो मैं ऊपर पानी रखने की कोशिश करता हूँ पर रखने नहीं देता, तो मैं एक और ब्लॉक ऐड करता हूँ, स्लैब ऐड करता हूँ ठीक है ब्लॉक में। तो ऊपर से पानी घेर के देखते तो अच्छा लग रहा है, ये नीचे से हल्का सा अजीब इसलिए हो गया क्योंकि ये स्लैब मिसप्लेस हुई थी पहले, तो उस वजह से हल्का सा बेकार लग रहा है। खांसी क्यों हो रही है पता नहीं, वैक्स की गोली लानी पड़ेगी। तो भी ये इस साइड पानी पता नहीं मुझे क्यों नहीं कूदा, कूदना तो चाहिए था ना, वैसा स्लैब माइनक्राफ्ट के नशे। अब मेरे नशे मैंने उस साइड लगाया था बट इस साइड भी था एक स्लैब, तो अभी पानी धरा, वो शीप पता नहीं मुझे कैसे आ गई, शीप पता नहीं अंदर ही स्पॉन हो गई, अंदर ही स्पॉन हुई है मेरे ख्याल से अभी अभी, क्योंकि पहले तो थी नहीं। तो चलो अच्छी बात है, यहीं पे कैद कर देंगे, क्या करिए भागो। तो रखते हैं ऊपर स्लैब रखते हैं, ऊपर दोबारा पोंछते हैं, फिर से पानी रखते हैं, देखते हैं कैसा लगता है, फिर से पानी रखते हैं। तो काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है ना, इतना भी बुरा नहीं लग रहा, अपनी सस्ती बेस डिज़ाइनिंग की से तो अच्छा ही लग रहा है। पहले एपिसोड में तो ऐसे ही घर बना दिया था, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था, बट हाँ थोड़ा तो अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि डेकोरेशन के बाद घर कैसा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा पहले से इम्प्रूवमेंट है या अभी भी मज़े नहीं आ रहा। तो अभी हम बाहर चलते हैं, यहाँ पे बहुत हो गया, ये अपने जो लोग अपनी मिसप्लेसमेंट होती है अपनी गंदी आदत है उसको पता नहीं कब ठीक होगी। तो बताना कैसा लग रहा है, मेरे हिसाब से तो वो बिराने एरिया से तो अच्छा ही लग रहा है, वो घर से बाहर निकलते थे वो ऐसा प्लेन पड़ा रहता था सब कुछ, उससे तो ठीक ही लग रहा है। फिर मैं अपना हल्का सा वहाँ के लिए पाथवे बनाता हूँ कि यहाँ से हल्का सा पाथवे होके घर के आगे सा वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे बेसिकली जैसे कि मैंने बताया अपना पोर्टल होगा नेदर का,
तो पोर्टल मैं बनाने की सोचता रहा हूँ, बट पोर्टल से अभी फ़ायदा नहीं है क्योंकि अपडेट आने वाली है नेदर की। नेदर में मेरे ख्याल से एक ब्लॉक ऐड होगा, मैंने जब मैं जहाँ तक इंफॉर्मेशन है, तो वो मतलब अपडेट आने के बाद हम नेदर में जाएंगे। बीटा तो आई थिंक सो आ गया उसका बीटा वर्जन, जहाँ तक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वो अपडेट आने के बाद ही देखेंगे। फिर हम अपने यहाँ से मतलब ब्रिज जाएगा हमारा जो सामने, मैंने जैसे कि बताया दोनों में से एक चीज़ होगी, या तो मिनी मतलब दोनों चीज़ होगी, बट एक ऊपर होगा एक नीचे, नीचे अंडरग्राउंड होगा, जो वो नीचे सैंड है ना, सैंड के एरिया पे हमारा वो होगा स्टोरेज सिस्टम, बट ऊपर से वो होगा। फिर मैंने सोचा कि अगर बीच में जाएगा तो ब्रिज हल्का सा साइड में, तो मैं यहाँ से अपना पाथवे बनाता हूँ कि वहाँ से तो अच्छा नहीं मतलब पहुँच नहीं पाएंगे न सेंटर में ब्रिज के, तो यहाँ से बनाते हैं, फिर मैं इसे तोड़ देता हूँ। और ये मैंने अपना शुगर केन फार्म बना रखा है, मतलब फार्म तो क्या है, मतलब शुगर केन साइड में लटका रखा कि थोड़ा सा अच्छा दिखे, मतलब अच्छा क्या दिखे, शुगर केन इकट्ठी हो जाए, मैं अभी क्या ही बोल रहा हूँ कि शुगर केन इकट्ठी हो जाए वो बुक बनाने के लिए, बुक शेल्फ के लिए। बुक शेल्फ बनाने के लिए मुझे लेदर चाहिए, और लेदर के लिए मुझे उन्हें मारना पड़ेगा गाय को, गाय को मारने के लिए मुझे फार्म बनाना पड़ेगा। तो जहाँ तक उम्मीद है, अगर वोटिंग तुम तो करते नहीं हो कमेंट, तो अगले एपिसोड में वही बनाते हैं मिनी फार्म ऊपर ऊपर के एरिया में हल्का सा क्लियर करके। तो चलो गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में, जो ये हल्के से ज़्यादा उखाड़ दिया मैंने, उन्हें उल्टा लगाते हैं। तो बस गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट।